जिन्होंने फेक अकाउंट बनाए हुए, उन्होंने मेरे खिलाफ इतनी इतनी बुरी बातें की हैं जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। तो ना मैं किसी के साथ ऐसा दिलजारी करता हूँ, मेरे लिए सारी कायनात मेरी जो है वो मेरी अपनी है। देखो शर्म करें कि एक दरवेश आदमी को, एक अल्लाह के बंदे को, एक ऐसा आदमी जिसने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, उसकी बाइक चोरी हो गई, उसकी जिंदगी का एक बहुत हमका हम सफर 8 साल पहले उनको छोड़ के चला गया, उन्होंने अपने बच्चों की जिन हालात में परवरिश की, माँ बन के बाप बन के अपनी बेटियों को जिस तरह अल्लाह रखा पेप्सी साहब इस वक्त मेरे पास मौजूद है, मैं अल्लाह रखा पेप्सी साहब इस वक्त साथ मौजूद है, इस वक्त वो इस अजियत से गुजर रहे हैं, इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आप उनका चेहरा देखें, आप उनकी उनके उनकी तरफ देखेंगे तो आपको खुदा की कसम खून के आंसू आएंगे कि हम लोगों ने क्या किया। हम एक आदमी की, एक आम इंसान की जिंदगी को तबाह करने पे उतर आते हैं, बर्बाद करने पे उतर आते हैं। हमने उसको इतना टॉर्चर किया सोशल मीडिया पे, इस कदर गलाजत बकी गई उसके बारे में, एक बिल्कुल दरवेश आर्टिस्ट के बारे में जो अल्लाह लोग आदमी है, जिसका बेजरर इंसान, जिसने कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखी, किसी के किसी को पार्टी की तरफ, किसी पार्टी के साथ कोई मुंसलिक नहीं रहा, उसके लिए सब इंसान बराबर है। रखा था इधर आइएगा सर, ये क्या हालत हो गई आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हो गया? बस इतना टॉर्चर करते हैं ये जो जिन्होंने फेक अकाउंट बनाए हुए, उन्होंने मेरे खिलाफ इतनी इतनी बुरी बातें की है जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। तो ना मैं किसी के साथ ऐसा दिलजारी करता हूँ, मेरे लिए सारी कायनात मेरी जो है वो मेरी अपनी है। बिल्कुल सारी दुनिया जो है मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, अल्लाह की रहमत से मैंने सारी जिंदगी इज्जत के साथ काम किया है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं खिदमत करूँ पब्लिक की, मैं पब्लिक को मैं खुश करूँ। तो बात यह है कि ये टॉर्चर करना कुरना ये नहीं अच्छी बात, ये 3 दिन से मैं सोया नहीं, साथ इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, तो बस मैं टेंशन में, ये देखिए मेरा हाल क्या होगा। हर जगह हर बंदे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने यही कहा है, मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लुक नहीं, मेरा किसी पार्टी से तल्लुक नहीं। और क्या किया जा रहा है कि ट्विटर के ऊपर इनके नाम का फेक अकाउंट बना के पैसे मांगे जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आपका कोई ट्विटर पे अकाउंट है? जी मेरा अपना अकाउंट जो है वो अल्लाह रखा पानीपुरी, AR पानीपुरी यूट्यूब का। हाँ जी यूट्यूब और फेसबुक का। हाँ जी यही है बस, अल्लाह रखा पानीपुरी, अल्लाह रखा AR पानीपुरी जी, इसके अलावा मेरा कोई नहीं। तो आप किसी से पैसे मांग रहे हैं? मैं किसी से नहीं मांग रहा, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, किसी को नहीं, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं किसी से भी नहीं मांग रहा है। ये देखें, इनको देखें जरा, ये रो रहे हैं, शर्म करें वो लोग, वो गलीज लोग शर्म करें कि एक दरवेश आदमी को, एक अल्लाह के बंदे को, एक ऐसा आदमी जिसने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, उसकी बाइक चोरी हो गई, उसकी जिंदगी का एक बहुत हमका हम सफर 8 साल पहले उनको छोड़ के चला गया, उन्होंने अपने बच्चों की जिन हालात में परवरिश की, माँ बन के बाप बन के अपनी बेटियों को जिस तरह से ब्याह माँ की जगह खड़े हुए, उस आदमी ने जिंदगी में इतनी स्ट्रगल काटी है और हम लोगों ने उस बंदे का फायदा उठाया, सबने वीडियो पब्लिश की बशमूल मैं। लेकिन मेरा वादा है रखा था, मैं आपसे वादा करता हूँ, इस वीडियो जो आपकी मैंने डाली है, इससे 1 रुपए से लेकर करोड़ भी आया वो सब आपका होगा, ये मेरा आपसे वादा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अब आप मेरे भाई हैं, रोए नहीं, परेशान नहीं हो, रिलैक्स रहें, ये कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता। मेरी नून लीग वालों से, PTI वालों से और तमाम जमातों से गुजारिश है, अगर आप किसी के नाम इस्तेमाल करके, जैसे हिना भट्ट साहिबा ने अल्लाह रखा साहब का नाम इस्तेमाल किया, शहबाज गिल साहब इनके नाम के ट्वीट डाल के इनका तमस्सुर बनाना चाह रहे थे, सर तमस्सुर ना बनाए। अगर कुछ करना है, अगर वाकई पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करनी है, इंसानियत की खिदमत करनी है, तो इनकी तरफ तवज्जो दें, हक दें इन लोगों को। हाँ आप बुलाए, आप PTI वाले बुलाएंगे तो आप नहीं जाएंगे? जाएंगे क्यों नहीं, मैं तो सारी मैं दुनिया का आर्टिस्ट हूँ, मुझे जो भी बुला रहा हूँ, किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, अल्लाह की रहमत से। बिल्कुल अल्लाह ताला आपको सलामत रखे भाईजान, और मेरी गुजारिश है उन तमाम देखने वालों से, अगर आप लोगों के अंदर कहीं भी एक कतरा भी इंसानियत का बाकी है तो बजाय इसके कि इस बंदे की तदलील करें, इनका साथ दें। ये बहुत स्ट्रगल से गुजरे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनके चैनल पे जाएं, इनके चैनल को फॉलो करें। ये बंदा भीख नहीं मांग रहा, ये वो उन तमाम लोगों से जिन्होंने इनके नाम पे वीडियोस डाली हैं और किसी ने इनका नाम नहीं इस्तेमाल किया इनके चैनल का, उन तमाम से गुजारिश है कि जो अर्न कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसमें इनका हक जो है इन्हें दें, और खुदारा जलील नहीं करें, इज्जत करें। बहुत शुक्रिया।